चार दिन कामकाज न होने के बाद संसद के दोनों सदनों में एफडीआई पर वोटिंग वाले नियम के अंतर्गत चर्चा पर सहमति बनी। लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार ने नियम 184 के तहत चर्चा को दी मंजूरी। राज्यसभा में भी मतदान के प्रावधान वाले नियम के तहत होगी चर्चा। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री जयराम रमेश ने सीधे नकद अंतरण को पुरस्कार बताए जाने के आरोपों को निराधार बताया। कहा, नकद अंतरण लाभार्थियों का है अधिकार, सरकार कल्याणकारी राष्ट्र के रूप में काम करने के लिए है प्रतिबद्ध। एलपीजी सिलेंडरों की संख्या सीमित करने के मुद्दे पर तृणमूल कांग्रेस ने लोकसभा में किया हंगामा। कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश में गन्ने के मूल्य का मुद्दा उठाया। पदोन्नति में कोटे के मुद्दे पर हंगामे के कारण राज्यसभा की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित। वित्त मंत्री पी चिदम्बरम की अध्यक्षता वाले दूरसंचार संबंधी अधिकार प्राप्त मंत्री समूह की आज होगी बैठक। 2G स्पेक्ट्रम की नीलामी में बोली लगाने वालों के कम उत्साह पर किया जा सकता है विचार। रेल मंत्री पवन कुमार बंसल ने आज लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान कहा कि सरकार रेलवे के आधुनिकीकरण की सारी परियोजनाओं को जल्द से जल्द करेगी पूरा। साथ ही उन्होंने सदन को बताया कि यात्रियों की सुरक्षा के लिए नई तकनीक का इस्तेमाल कर होने वाले हादसों पर लगाई जाएगी लगाम। फेसबुक पर लिखने वाली लड़कियों की गिरफ्तारी की देश भर में व्यापक आलोचना के बाद सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम में किए बदलाव। दुरुपयोग रोकने के लिए इस तरह के मामलों में शिकायत दर्ज कराने से पहले ग्रामीण इलाकों में डीसीपी और मेट्रो शहरों में आईजी स्तर के अधिकारी की अनुमति होगी आवश्यक। अक्टूबर के बाद पहली बार सेंसेक्स ने छुआ 19,000 का आंकड़ा। निफ्टी में भी लिवाली की तेजी। गोल्डमैन सैक्स द्वारा विकास दर में सुधार के अनुमान और बेहतर रेटिंग का दिखा असर। संयुक्त राष्ट्र महासचिव बान की मून ने भारत में पहले स्वदेशी रूप से बनाए गए कम कीमत वाले टैबलेट आकाश 2 को संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में किया जारी। आकाश को जारी करते हुए मून ने सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत को एक सुपर पावर बताया। पाकिस्तान ने कल किया परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल हफ्त 5 का सफल परीक्षण। इस मिसाइल को गौरी के नाम से भी जाना जाता है। अमेरिका में जन्मे लश्कर ए तैयबा के आतंकवादी डेविड हेडली को मुंबई में 26/11 के हमले में शामिल होने के आरोप में अगले वर्ष 17 जनवरी को शिकागो की अदालत सुनाएगी सजा। वहीं उसके सह अपराधी तहवूर राणा को भी सजा देने की तारीख अगले वर्ष 15 जनवरी रखी गई। फ्रांस, रूस और ब्रिटेन ने फिलिस्तीन को संयुक्त राष्ट्र का गैर सदस्य पर्यवेक्षक राज्य बनाए जाने के पक्ष में वोट देने की घोषणा की है। संयुक्त राष्ट्र में आज फिलिस्तीन को गैर सदस्य पर्यवेक्षक राज्य का दर्जा दिए जाने पर होगी वोटिंग। मिस्र के राष्ट्रपति मोहम्मद मुर्सी स्वयं को अधिक शक्तियां दिए जाने समेत कई मुद्दों पर आज करेंगे देश को संबोधित। हजारों की संख्या में लोग कर रहे हैं मुर्सी के खिलाफ प्रदर्शन। मुर्सी ने पिछले हफ्ते एक विवादास्पद आदेश के जरिए कई अधिकार हासिल किए। भारतीय ओलंपिक संघ के चुनाव में एक के बाद एक बाधाएं जारी। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक परिषद ने IOA को चेतावनी दी है कि अगर संघ के चुनाव सरकार की खेल संहिता के तहत हुए तो अगले महीने IOC अपने कार्यकारी बोर्ड में IOA को निलंबित करने का रखेगा प्रस्ताव। ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान रिकी पोंटिंग ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने का किया ऐलान। वनडे और 2020 को पहले ही कर चुके हैं अलविदा। दक्षिणी अफ्रीका के खिलाफ कल से पर्थ में शुरू हो रहा टेस्ट पोंटिंग के करियर का होगा आखिरी मैच।